प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 14 से लेकर 16 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह है, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है, और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इनको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम जानते हैं कि यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने क्रूस पर मार डाला। जब यीशु मसीह के बारे में इल्जाम किए गए थे तब पायलट ने सवाल किया, जो हम जिसको न्यायाधीश कहते हैं, जज कहते हैं, उसने सवाल किया कि आज त्योहार का दिन है, आज हम किसको छोड़े, यीशु मसीह है और बरब्बास है जो एक लुटारू था, चोर था, खूनी था, मर्डरर था, किसको छोड़े। तब यहूदी लोगों ने जोर से जवाब दिया कि हमारे लिए बरब्बास को छोड़ो और यीशु मसीह को क्रूस पर मारो। भाई और बहनों, सब यहूदी लोग जोर से चिल्लाए कि हमारे लिए बरब्बास को छोड़ो और यीशु मसीह को क्रूस पर मारो, और उस न्यायाधीश को और कुछ इलाज नहीं था क्योंकि लोगों का बड़ा फोर्स था। लोगों के फोर्स के सामने वो शरण आया और उसने यीशु मसीह को मारने के लिए दिया, और हम जानते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया। मरने के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा, और उठने के बाद 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा, चेलों को मिलता रहा, और 40वें दिन चेलों के सामने पहाड़ पर से ऊपर स्वर्ग में चला गया, और उसने जाते वक्त अपने चेलों को बताया कि मेरे नाम का प्रचार पूरे संसार में करो। हालेलुया। हम जानते हैं कि उस दिन दुनिया में एक भी देश ईसाई नहीं था। हालेलुया, एक भी देश नहीं था, और अपने चेलों को उसने भेजा, मेरे नाम का प्रचार करो पूरे संसार में। भाई और बहनों, जब चेले प्रचार करने के लिए गए तब उनके सामने वही यहूदी लोग थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर मारा था। जब पत्रस और यूहन्ना वहां मंदिर में जा रहे थे, उसने उन दोनों से भीख मांगी। पत्रस ने कहा, मेरे पास सोना रुपा कुछ सोना नहीं है, चांदी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं दे रहा हूं, यीशु मसीह के नाम उठो, और उठा। हालेलुया। उठने के बाद पूरे यहूदी लोग जो चकित हो गए, अचंभित हो गए, शॉक हो गए, ये कैसा हुआ। तब उसने क्या किया, पत्रस ने यहूदी लोगों को कहा, बैठो बैठो और सुनो। हालेलुया, बैठो और सुनो, ये लंगड़ा भिखारी तुम्हारे सामने चंगाई पाया है, ठीक हो चुका है, चमत्कार तुमने आंखों से देखा है, अभी मैं कुछ बोलने वाला हूं वो सुनो। हालेलुया, जिस यीशु मसीह को तुमने मार डाला क्रूस पर, उसके नाम से, उस पर विश्वास दिखाने से उसने उसको उठाया है, हमने कुछ नहीं किया है। तुमने
खूनी आदमी की मांग की कि खूनी आदमी बच जाए। बरब्बास खूनी आदमी था, खूनी आदमी की तुमने मांग की उसको बचाओ, यीशु को मारो। लेकिन जिसको तुमने मार डाला है क्रूस पर, वो जीवन का कर्ता है, जीवन उसके हाथ में है। यहूदी लोग सुन रहे थे, बाइबल बताता है कि यहूदी लोगों को दुख हो गया, पश्चाताप हो गया, वो ऐसा करने लगे, हम करते हैं ऐसा कैसे किया हमने, जो जीवन का कर्ता है उसको हमने मार डाला, और जो खूनी आदमी है उसकी मांग की कि उसको बचाओ, ऐसा कैसा किया हमने, ऐसा कैसा किया हमने, ऐसा कैसा किया हमने। भाई और बहनों, पतरस बोल रहा था, यहूदी लोग पश्चाताप कर रहे थे, और पश्चाताप करने के बाद वही यहूदी लोगों ने पतरस को पूछा, अभी कुछ इलाज है क्या, हमने तो गलती की है, परमेश्वर के पुत्र को हमने मारा है, अभी क्या इलाज है। उसने कहा इलाज है अभी भी, क्या करो, पश्चाताप करो और उस यीशु मसीह पर विश्वास करो। तुमने मार डाला लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा है। परमेश्वर कभी मर नहीं सकता है, वो आज भी जिंदा है। आज उसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन उसके काम को देख सकते हैं, उसका काम हम देख रहे हैं। खड़ा आदमी बिना ढकेले गिर जाता है, उसको धकेलने वाला कहां दिखता नहीं है, लेकिन वो कैसा गिर जाता है मालूम नहीं होता है। परमेश्वर को हम नहीं देखते हैं लेकिन उसके काम को देखते हैं। एक गवाह मैं सुन रहा था, उस गवाह में एक कोई व्यक्ति बीमार है, और बीमारी ऐसी है कि उसके शरीर का एक भाग उल्टा है, मुझे लगता है किडनी उल्टी है, ऐसा कुछ भाग अंदर का है जो उल्टा है। डॉक्टर ने कहा ये उल्टा है, काम नहीं करेगा, किडनी उल्टी है इसलिए काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने बताया। तो वो औरत अपने केंद्र में प्रार्थना के लिए आई, प्रार्थना के दौरान वो गिर गई, वो चली गई वापस डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया एंड डॉक्टर ने क्या जवाब दिया, बहुत खूबसूरत जवाब दिया। डॉक्टर ने उस औरत को कहा, बहन जी भगवान ने तुमको ठीक किया है। भाई और बहनों, हर दिन लंगड़े भिखारी को उठाया जाता था, दरवाजे पे बिठाया जाता था, वो खुद उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। हर दिन यहूदी लोग उसको देखते थे कि ये लंगड़ा भिखारी है। आज वही लंगड़ा भिखारी नाच रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, वो अचंभित हो गए, ये कैसा हो गया। और बाइबल आगे बताती है ये चमत्कार ऐसा है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है, कोई नहीं कह सकता है ये चमत्कार नहीं है। इनकार करने वाले बहुत होते हैं। लंगड़ा भिखारी हर दिन दरवाजे पे बैठता था, कौन देखते थे, पूरा इलाका देखता था, सब लोग देखते थे, हर आदमी उसको जानता था, ये लंगड़ा है, ये लंगड़ा है, ये लंगड़ा है। आज वो चल रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है, कौन कहेगा ये चमत्कार नहीं है। इतना मशहूर चमत्कार, इतना सामर्थ्यशाली चमत्कार था कि यहूदी लोग अचंभित हो गए, और वो सामने छात्र के जैसे पतरस के सामने बैठे। ये चमत्कार है तो हम क्या करें। तब जब यहूदी सुन रहे थे, पतरस ने कहा तुमने बरब्बास की मांग की है, तूने कहा कि बरब्बा चाहिए, बरब्बा चाहिए, अरे बरब्बा तो खूनी आदमी था, लेकिन जिस यीशु मसीह को तुमने मारा है वो जीवन का कर्ता है, जीवन उसके हाथ में है।
इस लंगड़े भिखारी को तुम देख रहे हो, उसको चंगाई मैंने नहीं दी है, हमने नहीं दी है, हम मनुष्य है, हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन उस यीशु मसीह ने इस भाई को चंगाई दी है। सुन लीजिए, जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा था उनको ये पत्रस बता रहा था। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेकंड चांस, दूसरा मौका। पहले बार यीशु मसीह के देखा, मार डाला, अभी दूसरे बार यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, अब भी तो स्वीकार करो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा प्रवचन सुनने वाले में ऐसे कोई लोग है जो आज दूसरा मौका ले रहे हैं। कितने बार मेरे साथ हुआ है, दिल्ली में मैं एक बूढ़े आदमी को बोल रहा था, इसकी उम्र मुझे लगता है 70 का दौरान थी, 70 कुछ थी। मैंने कहा यीशु मसीह के बारे में सुनो। उसने कहा जब मैं जवान था तब मुझे एक आदमी मिला था, उसने यीशु मसीह के बारे में कहा था, मैंने इनकार किया था। मैंने कहा आपको दूसरा मौका मिल रहा है, सेकंड चांस, दूसरा मौका मिल रहा है, दोबारा तुम यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हो, हो सकता है तीसरे बार भी सुनोगे। मरने तक परमेश्वर तुम्हारे पीछे लगेगा, मरने तक कोई ना कोई मिलके बोलेगा यीशु का स्वीकार करो। कितने बार इनकार करोगे? हाउ मेनी टाइम्स? कितने बार? कितने मर्द लोग यहां गवाह देते हैं कि मेरी औरत यहां 2 साल से प्रार्थना के लिए आती थी, वो मुझे बार बार बोलती थी कि एक बार तो आके देखो। मैंने कहा तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आज मैं पहले बार आया और पहले बार चमत्कार देखे, पहले बार ये सब देखा, और मैं गवाह देता हूं मैं आज यीशु मसीह का स्वीकार कर रहा हूं। फिर इतने बार औरत बताती थी क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, प्रभु ने छोड़ा नहीं। भाई और बहनों, आपके जीवन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हो सकता है 10 बार या 20 बार कोई ना कोई आपको मिलेगा और यीशु मसीह के बारे में बताएगा। और आप क्या करेंगे? बहुत बार ना कहेंगे। मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड आर डिनाइंग जीसस क्राइस्ट व्हेन दे आर टोल्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बारे में जब बताया जाता है तो बहुत से लोग ना कहते। इतना छोड़ के बोलो। कितने लोग बोलते हैं ये सब्जेक्ट छोड़ के बाकी कुछ बोलो। लेकिन परमेश्वर छोड़ता नहीं है, परमेश्वर पीछे लगता है, पीछे लगता है, पीछे लगता है। अरे यीशु मसीह को पहचानने का मौका था। इस यीशु मसीह ने लाजरस को मौत से जिंदा किया था, अंधों को आंखें दिए थे, लंगड़ों को चलते किया था, गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे, ये समझ चमत्कार यीशु ने किए थे। इतना होने के बावजूद भी उन यहूदी लोगों ने उसको क्रूस पर मारा था। लेकिन ये चमत्कार ऐसा था जिसका वो इनकार नहीं करते थे, कर ही नहीं सकते थे। हर रोज मंदिर के दरवाजे पे वो बैठता था, हर रोज उसको देखते थे। अभी वो चल रहा है, कैसा कहने का ये चमत्कार नहीं है। परमेश्वर ऐसा एक चमत्कार करेगा जिसका इनकार आप कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। पड़ोसी कैंसर से ठीक हो गया, आप बोलेंगे यीशु ने नहीं ठीक किया। ये HIV से ठीक हो गया, यीशु के पास जाके आप बोलेंगे यीशु ने नहीं ठीक किया। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, आपकी औरत के बारे में डॉक्टर बताएगा ये बचेगी ही नहीं, और वो औरत को यीशु ठीक करेगा, तब आप इनकार नहीं कर सकते हैं। भाई और बहनों, कल्पना करो कि पतरस किनसे बोल रहा है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को मार डाला था उनसे वो बात कर रहा है। अरे हमने क्यों मारा? अरे ये तो परमेश्वर था लेकिन हमने मारा। अभी रो, पश्चाताप करो और उस पर विश्वास करो। द हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास बार बार हो जाता है। द हिस्ट्री रिपीट्स, ये जो हुआ यहूदी लोगों के बारे में पूरे संसार में हुआ है, हो रहा है आज के घड़ी।
सब लोग पहला मौका नहीं ले रहे, कोई लोग दूसरा मौका ले रहे, कोई लोग तीसरा मौका ले रहे हैं। मेरा पड़ोसी कैंसर से ठीक हुआ, मैंने सोचा कि यीशु ने थोड़ी ठीक किया। मेरा चाचा एचआईवी से ठीक हो गया, मैंने कहा यीशु ने थोड़ी ठीक किया। दो मौके गए, लेकिन जब मुझे डायबिटीज था, मैं गया, मेरा डायबिटीज चला गया, तब मैंने विश्वास किया। तीसरा मौका लिया, दो मौके खोए, तीसरा मौका लिया, खुद के बारे में हुआ तब विश्वास किया। हालेलुया। जब मौका और आता है तब चमत्कार बड़ा बड़ा हो जाता है। पहला मौका छोटा चमत्कार, दूसरा मौका बड़ा चमत्कार, तीसरा मौका प्रभु देता है तब और बड़ा चमत्कार देता है। हालेलुया। तुम्हारा पति सोया है, उसको उठाने का है सुबह, तुम पहले ऐसा करते हो प्यार से, उठता नहीं, तुम जरा जोर से मारते हो, उठता नहीं, तुम जरा ऐसा करते हो, तुम ताकत बढ़ाते हैं, मार बढ़ाते हैं, वैसा प्रभु छोटा चमत्कार दिखाता है। तुम बोलते नहीं और बड़ा, नहीं और बड़ा, नहीं, प्रभु चमत्कार बड़ा बड़ा दिखा देता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे जीवन में प्रभु तुम्हें मौका देता है, देता है, देता है। क्यों देता है? पत्रस का दूसरा पत्र, पत्री अध्याय 3:9 कहता है, किसी का नाश हो ऐसी प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन हर आदमी को पश्चाताप हुआ होना चाहिए ऐसी उसकी इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई आदमी नरक में जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कोई आदमी नरक में जाए। ये परमेश्वर की मन की तमन्ना है कि हर आदमी उसके स्वर्ग में पहुंच जाए। इसलिए वो बुलाहट करता है, बुलाहट पाचारण, बुलाहट बुलाता है, बुलाता है, बुलाता है, बुलाता है, ये चमत्कार देखो आओ नहीं आता है, ये चमत्कार देखो आओ नहीं आता है, ये चमत्कार देखो आओ आओ, एक दिन मेरे द्वारा स्वर्ग में पहुंच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पतरस ने उन लोगों को प्रवचन दिया जिन्होंने यीशु मसीह को मारा था, उनको भी मौका मिला। जिन्होंने यीशु को मारा था उनको भी मौका मिला यीशु के पास आने का। हमने तो यीशु को नहीं मारा है, तो हमें कितने मौके प्रभु देगा? बहुत मौके देता है। जिनको मारा, जिन्होंने मारा था उनको मौका मिल गया यीशु का, यीशु के पास आने का। हमने तो नहीं मारा है, यहूदी लोगों ने मारा है। भाई और बहनों, मौका दिया जाता है, मौका दिया जाता है, और हर आदमी को मौका दिया जाता है। कौन सा मौका? यीशु मसीह के पास आने का। तुम्हारी औरत तुम्हें बताएगी चलो यीशु मसीह के पास, तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा, तुम्हारी बहन बताएगी, पड़ोसी बताएगा, दोस्त बताएगा, और हो सकता है दुश्मन भी बताएगा। लेकिन 90% लोग मौका नहीं ले रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कितने लोग यीशु के पास आते हैं चंगाई के द्वारा? एक बीमारी चली गई, बस हो गया, यीशु का स्वीकार किया। आप कहां भी जाओ, परमेश्वर मौका दिएगा, देगा आपको उसका पुत्र यीशु मसीह के पास आने का मौका। हर एक को मिलता है, बार बार मिलता है, कई जगह मिलेगा। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई आदमी नरक में जाए, क्योंकि उसके पापों की क्षमा मिली नहीं। पापों की क्षमा जब नहीं मिलती है तभी हम नरक में जाएंगे, जब मिलेगी तो कैसे जाएंगे नरक में? और यीशु मसीह तो पापों की क्षमा देने के लिए आया है, पापों की क्षमा देने के लिए वो आया है। यदि हमको पापों की क्षमा मिलती है हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं मिलेगी कैसे जाएंगे? हमारे पापों का दंड उसने अपने ऊपर लिया है, हम वापिस क्यों ले? वो हमारे लिए मर चुका है, हम वापिस क्यों मरे? भाई और बहनों, मौका दिया जाता है, बार बार मौका दिया जाता है, हर आदमी को मौका दिया जाता है। आप 25 साल के हैं, कोई मिलेगा बोलेगा यीशु पर विश्वास करो, आप बोलेंगे नहीं,
आप 40 साल के हो गए, कोई मिलेगा बोलेगा यीशु पर विश्वास करो, आप बोलेंगे नहीं। आप 60 साल के हो गए, कोई बोलेगा यीशु मसीह विश्वास करो, आप बोलेंगे नहीं। आप 70 साल के हो जाएंगे और कोई बोलेगा यीशु मसीह को स्वीकार करो, आप बोलेंगे मैं कर रहा हूँ। और 5 साल जियोगे यीशु के नाम, 5 साल के बाद सीधे स्वर्ग में जाओगे। बट वाई डू यू वॉन्ट टू टेक द लेट चांस, पहला मौका क्यों नहीं लेते हैं? कभी ना कभी तुम यीशु के बारे में सीधा सुनना चाहिए, सीधा स्ट्रेट, कि पापों की क्षमा देने वाला जीवित परमेश्वर का पुत्र है। आप जल्दी मौका लीजिए, ज्यादा समय मत बिताओ। औरत ने कहा नहीं सुना, पड़ोसी ने कहा नहीं सुना, दोस्त ने कहा नहीं सुना, हो सकता है दुश्मन ने कहा होगा और आज यहां आप आए होंगे। लेकिन ये मौका नहीं खोना, ये मौका नहीं खोना। आज यहां आप पहुंचे हैं, यीशु मसीह के बारे में सीधा सुन रहे हैं। यदि आज आए और आज नहीं स्वीकार किया और 10 साल यीशु मसीह के नाम नहीं सुनेंगे, 10 सालों के बाद हो सकता है तुम बहुत बड़ी बीमारी से परेशान हो जाओगे और यीशु का नाम वापिस सुनोगे। लेकिन 10 साल क्यों दुख भोगना? आज यीशु मसीह का स्वीकार करो, आज से नया अच्छा जीवन बिताओ। मुझे पता नहीं, सुनहरा, गोल्डन, गोल्डन यानी सुनहरा ना, सुनहरा जीवन, गोल्डन लाइफ, सुनहरा जीवन जो आज से, जब जिस क्षण आप यीशु का स्वीकार करते हैं आप सुनहरे जीवन को प्रारंभ करते हैं। सुनहरे जीवन को आप प्रारंभ करते हैं, यू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद गोल्डन लाइफ, लाइफ इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है, आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ, प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।